अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जनरल मैनेजर के नीचे तीन डिपार्टमेंट है, मान लो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे कौन है? प्रोडक्शन सुपरवाइजर। परचेज मैनेजर के नीचे परचेज सुपरवाइजर। फाइनेंस मैनेजर के नीचे फाइनेंस का सुपरवाइजर। ये लोग अपने एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसको अगर बात करनी होती है इससे, तो ये इससे ही बात करेगा पहले। अगर इसको जनरल मैनेजर से बात करनी है, तो इसको पहले अपने ऊपर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, देन ऊपर तब ही बात कर पाएंगे। मतलब फॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं। स्टेटस पता होता है सबको, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, ये सब पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी काम कर रहा है, सी के नीचे डी सबॉर्डिनेट है, डी का नीचे ई सबॉर्डिनेट है, ई के नीचे एफ काम कर रहा है। अगर एफ को अपनी बात ए तक पहुंचानी है, तो एफ स्टेप बाय स्टेप अपनी बात ई को, फिर डी को, फिर सी को, फिर ई को, बी को बात जाएगी, फिर ए तक बात पहुंचने वाली है। जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं, दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या हुआ? मान लो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को बात करनी है जनरल मैनेजर से, अगर वो सीधी बात कर लेता है, तो समझ लेना कि आप वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ई को अपनी बात अगर ए तक पहुंचानी है, वो बीच में से मान लो किसी की परमिशन नहीं लेता और ए तक सीधी अपनी बात कर रहा है, तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टेप सेटअप हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी बात फिक्स नहीं होती है, और कोई भी किसी से भी बात डायरेक्टली जाके कर सकता है। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम जानबूझकर एस्टेब्लिश नहीं करते हैं।